नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। पिछले कुछ दिन में जिस तरह से चीन के भारत के साथ संबंध खराब हुए हैं, उनमें भारत के साथ कोई हो ना हो, लेकिन अमेरिका ने अपना पूरा समर्थन सिर्फ और सिर्फ भारत को दिया है। चीन को सिर्फ आंख ही दिखाई है। वजह है दक्षिण चीन सागर में उसकी चीन के साथ कटुता और उसके बाद इस कोरोना महामारी को पुख्ता तौर पर चीन की तरफ से ही फैलाया हुआ मानना। अमेरिका को यकीन है कि हो ना हो इस वायरस को चीन ने ही दुनिया भर में जानबूझकर फैलाया है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को मानो चीन का ही चमचा बन गया है जो उसके खिलाफ कुछ बोलता ही नहीं। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका और भारत दोनों का ही दुश्मन एक है, चाइना। अब चीन को काबू कैसे करना है, इस रणनीति को बनाने के लिए अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने खुद भारत आने का फैसला लिया है। जी हाँ, अगले हफ्ते भारत और अमेरिका के बीच में 2+2 वार्ता में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में खड़ी चुनौतियों और उनसे निपटने के समाधान पर चर्चा की जाएगी। ये जानकारी अमेरिका के रक्षा सचिव मार्क एस्पर ने दी है। अटलांटिक काउंसिल के अध्यक्ष फ्रेडरिक कैंपे के मुताबिक अगले हफ्ते वो भी पोम्पियो के साथ भारत में होंगे। भारत के साथ ये दूसरी 2+2 की बातचीत होगी। एस्पर के कहने के मुताबिक ये मुलाकात इंडो पैसिफिक में भारत के साथ पार्टनरशिप के लिए सदी में काफी अहम है। एस्पर के मुताबिक लोग देख रहे हैं कि असल में चीन कर क्या रहा है। एस्पर ने भारत को लेकर कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है जहाँ बहुत योग्य और गुणी लोग हैं और वो हर दिन हिमालय पर चीन की आक्रामकता का सामना कर रहे हैं, खासकर LAC पर। आगे इस पर कहते हैं कि इस क्षेत्र के कई देशों से बात की है और वहां गए हैं, जैसे मंगोलिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, पलाऊ और पैसिफिक के टापू देश। सभी देश देख रहे हैं कि चीन की क्या हरकतें हैं। कुछ जगहों पर वो एकदम साफ है और कई जगहों पर छिपकर वार कर रहा है। एस्पर ने बढ़ती चीन की गुस्ताखियों और चीन की दिनों दिन बढ़ती ताकत को लेकर भी चिंता व्यक्त की है। कहा है कि चीन राजनीतिक और कूटनीतिक दबाव बना रहा है और भारत की तरह कुछ देशों पर सैन्य दबाव भी बनाने की कोशिश कर रहा है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सभी देशों को अंतर्राष्ट्रीय नियमों का सामना करना है जिनसे सबको फायदा होता है। ये मुद्दा चीन के उदय का नहीं बल्कि इस बात का है कि चीन का उदय आखिर हो कैसे रहा है। इस पर इन बैठकों में चर्चा होती है। पिछले हफ्ते हुई फाइव आईज फोरम और अगले हफ्ते दिल्ली में होने वाली बैठक को लेकर एस्पर ने कहा कि इसमें इंडो पैसिफिक की चुनौतियों, आपसी सहयोग, संप्रभुता को मिलने वाली चुनौती, अंतरराष्ट्रीय नियमों की व्यवस्था और नेविगेशन की आजादी पर चर्चा की गई, जिससे कि और ज्यादा नजदीकी सहयोग बनता है। और अब अगले हफ्ते दिल्ली में बैठक होने वाली है जिसमें भारत नौसेना की जानकारी साझा करने के समझौते पर एस्पर कहते हैं कि भारत के साथ कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है लेकिन इसके बारे में जानकारी सही समय पर दी जाएगी। यानी कि इस पर अभी खुलासा नहीं करना चाह रहे हैं कि आखिर कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर भारत के साथ अमेरिका की बातचीत चल रही है, लेकिन अब जब अगले हफ्ते दिल्ली में बैठक होगी उसके बाद सब कुछ सामने आ जाएगा। पता चल जाएगा कि अमेरिका के साथ संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए आखिर मोदी सरकार किन किन मुद्दों पर समझौते करने जा रही है। तब तक इंतजार करिए विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के भारत आने का असली पिक्चर और चीन के खिलाफ दोनों देशों की असल रणनीति तो तभी उजागर होगी।